आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं वो पांच तरीके के बारे में जिससे आप डेली अपने पैसे बचा सकते हैं। तो चलो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर आता है शॉपिंग, क्योंकि शॉपिंग एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हम सभी को पड़ती है। लाइक अगर आपकी मंथ एंड में सैलरी आती है तो आपको घर के सामान लेने होते हैं, कुछ सामान टूट फूट गए होते हैं वो लेने होते हैं। तो कहने का मतलब है कि सभी कोई शॉपिंग करता है, तो अगर आप ये कुछ चीजों का अगर आप ध्यान रख लेते हो तो आप अपने ठीक ठाक से पैसे बचा सकते हो। देखो पहला ये है कि अगर आपको कुछ बड़ा खरीदना है लाइक टीवी फ्रिज कुछ ऐसा अगर, तो आप फेस्टिवल का वेट कर सकते हो तो कर लो। फेस्टिवल के टाइम पे आपको बड़े बड़े डिस्काउंट मिल जाते हैं तो आप वहां से बेनिफिट ले सकते हो। नहीं तो कोई छोटा मोटा सामान है तो आप उतना रुक नहीं सकते हो तो ठीक है, तो आप उसके लिए दूसरा ऑप्शन यूज करो। आप कोशिश करो कि उस प्रोडक्ट को पहले कंपेयर कर लो। लाइक अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन पे अगर अच्छा लग रहा है तो वो चीज़ फ्लिपकार्ट पे भी होगी ही होगी, तो आप एक बार फ्लिपकार्ट पे भी देख लो कि कहाँ आपको सस्ता मिल रहा है। और जो तीसरी चीज़ कर सकते हो, आप कैशबैक ऐप यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको अगर कूपन कोड मिल जाता है तो आप वो यूज कर सकते हो। कूपन कोड मिलना उतना आसान नहीं है पर आप कैशबैक बहुत आसानी से पा सकते हो। जैसे एक ऐप है कैश करो, अगर आप यहाँ से वो शॉपिंग खरीदते हो मतलब इस लिंक से अगर आप वो चीज़ परचेज करते हो तो आपको कैशबैक मिलता है, तो आप यहाँ भी अपने कुछ पैसे बचा सकते हो। और जो चौथा चीज़ है वो भाई एक ट्रिक है कि आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदना है उसे आप एक दो दिन पहले ही अपने जो कार्ड होता है टू कार्ड उसे करके छोड़ दो आप, तो आप देखोगे कि एक दो दिन के अंदर ही आपको एक आपकी ईमेल एड्रेस पे नहीं तो आपके मैसेज में एक मैसेज देखने को मिल जाएगा जिस पे आपको एक्स्ट्रा 5-10% डिस्काउंट मिल जाता है, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज़ अगर क्रेडिट पे लेनी है तो आप देखो कि वो नो इंटरेस्ट ईएमआई हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप शॉपिंग करते टाइम अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हो। दूसरे नंबर पर आता है सब्सक्रिप्शन। आप सब्सक्रिप्शन लेते समय बहुत सारा पैसा अपना बचा सकते हो, मैं उसके कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं जो अमेजोन प्राइम का भी सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं, नेटफ्लिक्स का भी लेके रखते हैं, हॉटस्टार का भी लेके रखते हैं। तो देखो अगर आपको ज़रूरत है तो रखो, अगर ज़रूरत नहीं है तो भाई उसे पूरा ही बंद कर दो, सब्सक्रिप्शन लो ही ना। अगर आपको लगता है नहीं यार मैं अपना एंटरटेनमेंट यहीं से करता हूँ तो भाई सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है। तो ये मैंने दो वेबसाइट का आपको नाम बता रखे हैं, आप इन पे जाओ। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको मान लो अगर अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन अगर 1,000 का पड़ता है तो आप उतने में ही आप अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स और हो सके तो हॉटस्टार का भी आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे। तो लाइक इधर आपको वही सब्सक्रिप्शन बहुत ही चीप प्राइस में मिलता है। तो पहली वेबसाइट का नाम है premiumking.in और जो दूसरी है thepremiumx.com। तो आप पहले चेक कर लो, अगर आपको अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो कोई बात नहीं, अगर आपको फिर कभी भी लेना हो तो ये दो वेबसाइट पहले चेक कर लिया करो। इस पर आपको बहुत ही सस्ते में वही चीज़ मिल जाती है, तो आप इन्हें जरूर एक बार चेक कर लिया करो। और जो तीसरी चीज़ है कि आप कुछ ऐसा मतलब करो कि आपको सेविंग करना ना पड़े, आपकी सेविंग हो जाए अपने आप। लाइक आपको जहाँ से भी आपको इनकम आता है तो वो आपके बैंक अकाउंट में ही आता होगा, तो बस आपको इतना करना है कि आपको एक और बैंक अकाउंट ओपन कर लेना है और उसका ना ही डेबिट कार्ड लेना है ना ही क्रेडिट कार्ड लेना है, जिससे आप उस बैंक में से चाह के भी आसानी से पैसे ना निकाल पाओ। क्योंकि ये जो नया बैंक अकाउंट आप खुलवाओगे ये इमरजेंसी के लिए होगा, और इमरजेंसी में अगर आप होगे तो आप बैंक में जाके भी पैसे निकलवा सकते हो। तो ये जो नया बैंक अकाउंट आप खुलवाओगे इसको ऑटो डेबिट पे लगा दो कि लाइक आपका जो भी मेन अकाउंट हो उससे हर महीने कुछ एक्स अमाउंट कट जाया करे और वो पैसे इस अकाउंट में आ जाया करे, तो इसे आपका धीरे धीरे करके एक इमरजेंसी फंड बिल्ड हो जाएगा। चौथे नंबर पर आता है अनसब्सक्राइब फॉर मेल्स। देखो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैंने एक नया ईमेल आईडी लिया, उस पर मैंने सिर्फ एक फ्लिपकार्ट का अकाउंट खोला ये देखने के लिए कि भाई ये कितने सारे मेल भेजते हैं। अब देखो इनका काम है ये डेली ही कुछ ना कुछ इनका भाई स्पेशल ऑफर चलता रहता है तो इनके मेल आते रहते हैं, और ये सिर्फ फ्लिपकार्ट का ही नहीं ये अमेजोन का भी, ये मैंने सिर्फ एक डेमो के लिए ऐसा दिखा रखा है। तो आपको करना क्या है कि ये जो आप अपना ईमेल एड्रेस है वो यहाँ से अनसब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस पर ऐसे सारे ऑफर आते रहते हैं और बहुत लोगों का क्या होता है कि वो डिस्काउंट देखते ही उन्हें लगता है यार इतने का है इतने में मिल रहा है ले लेते हैं ना, तो आप वो चीज़ करने से बच जाओगे क्योंकि वहाँ पास आप जो भी चीज़ खरीदोगे वो फिजूल खर्ची होगी।
तो पांचवा नंबर पर आता है ट्राई अ नो स्पेंडिंग हॉलीडे। लाइक देखो हॉलीडे होता है तो गूगल के हिसाब से एवरेज अगर आप 7 दिन का ट्रिप करते हो तो आपको $1,300 आपके लग जाते हैं। ये गूगल के हिसाब से जानता हूँ, ये कहीं के हिसाब से बहुत कम हो सकता है, कहीं के हिसाब से बहुत ज्यादा हो सकता है, पर ये एक एवरेज नंबर ये बता रहा है। तो अगर यार आप हॉलीडे पे हो और आपने अमेजोन प्राइम या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले ही रखा है तो इस पे स्पेंडिंग करने का कोई तुक नहीं बनता। अगर आपने वो सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है तो आप स्पेंडिंग यहाँ कर सकते हो, क्योंकि जो सैलरी पर्सन होते हैं जो उनको हॉलीडे पे ही टाइम मिलता है, तो हॉलीडे पे आप कहाँ कहाँ अपना टाइम स्पेंड करोगे और पैसे, तो उससे अच्छा है कि आप वहाँ स्पेंड कर लो, आप अमेजोन प्राइम देख लो, नहीं तो आप ट्रिप पे वही पैसे स्पेंड कर सकते हो। सो गाइस यही वो 5 टिप्स थे यार जिसकी मदद से आप डेली लाइफ में अपने पैसे सेव कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो यार एक लाइक कर देना। तो चलो यार फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।